हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को बहुत ही प्यारा सा स्लीव्स डिज़ाइन बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से, और इस स्लीव्स बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर डबल फोल्ड करते इस फेब्रिक को ले लीजिए। इसका लंबाई है 17 इंच और इसको चौड़ाई है 8.5 इंच। अब यहाँ से हमें 3 पॉइंट पर एक निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद कुछ इस तरीके से ट्रायंगल शेप दे देंगे और यहाँ से हमें 7 पॉइंट में एक निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से इसको कटिंग कर लेते हैं और यहाँ पर छोटा सा कट लगा लेंगे। मिडिल पॉइंट में छोटा सा कट लगा लेनी है। अब मिडिल से हमें प्लेटेस को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से मिडिल से प्लेटेस को उठाते जाएंगे और यहाँ पर दोनों हाथों के मदद से इस प्लेटेस को हम लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, देख ही सकते हैं जहाँ पर हमारा छोटा सा कट लगी हुई है वहाँ तक इस प्लेटेस को डालेंगे। और कुछ इस तरीके से अगर आप प्लेटेस को लगाते हैं तो ये जो प्लेटेस है बहुत सारा प्लेटेस बन जाती है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जहाँ तक कट हुई थी वहाँ तक ही इसके हम यहाँ पर स्टिचिंग कर दी है। अब हमारा एक साइड स्टिचिंग हो चुकी है। अब दूसरे साइड सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए उल्टा करते हुए इस प्लेटेस को भी लगा लेते हैं। दोनों प्लेटेस को जो मुंह है एक तरफ होना चाहिए। तो देख ही सकते हैं यहाँ पर दोनों साइड को हमारा प्लेटेस जो है नीचे के ओर वो कम्प्लीटली यहाँ पर सिलाई लग चुकी है। अब ऊपर वाला पार्ट को भी सिलाई कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। थोड़ी सी यहाँ पर फोल्ड करेंगे नीचे के मुताबिक और इसको स्टिचिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, दोनों साइड ही हमें सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए इसको भी कंप्लीट कर लेनी है। तो देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको कंप्लीट कर दी। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट करके निकाल देंगे। निकालने के बाद नीचे के बॉर्डर तैयार करनी है। बॉर्डर तैयार करने के लिए मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक दोनों ही ले लिए। इसके लंबाई है 14 इंच और इसको चौड़ाई है 6 इंच। अब कुछ इस तरीके से इसको रखेंगे और इसको जो लाइनिंग फैब्रिक है इसको हम ऊपर पे रख देंगे और यहाँ पर थोड़ी सी मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों साइड ही कुछ इस तरीके से थोड़ी सी मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाना है। तो देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, दोनों साइड हमारा सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ से इसको पलटेंगे कुछ इस तरीके से। पलटने के बाद इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। प्रेस हो चुकी है तो चलिए फटाफट से चारों साइड को किनार हम सिलाई कर लेते हैं। यहाँ पर चाहो तो आप लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर प्लेन रखे हैं। अगर आपका पास लेस नहीं है तो आप प्लेन भी कुछ इस तरीके से इस डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। आपको जो साड़ी में बॉर्डर वाला पीस मिलती है उसके हिसाब से इस डिज़ाइन को आप बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही खूबसूरत के साथ इस डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। नीचे के जो बॉर्डर वाला पार्ट है वो कुछ आप इस तरीके से यूज़ कीजिएगा और ऊपर के जो प्लेन पार्ट है तो इस तरीके से ऊपर वाला प्लेटेस में यूज़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी हमारा फेब्रिक ज़्यादा है तो इसे हम कट करके निकाल देंगे। अब निकालने के बाद बॉर्डर को हम कुछ इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर थोड़ी सी अंदर के साइड लेते हुए इसको स्टिचिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा दोनों पार्ट जो है वो जुड़ चुकी है। अब इसमें हम खूबसूरत सा डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। अब डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने दो टोपी ले ली है और इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी कतरन कपड़ा ले लेंगे, कटा हुआ फैब्रिक, और इसको अंदर के साइड लपेटते हुए चारों तरफ अच्छी तरीके से धागा से लपेट लेंगे और इसको पोटली बना के तैयार कर लेनी है। तो कुछ इस तरीके से ही हमें धागा के सहायता से इस पोटली को घेर दे देती है। तो देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इस तरीके से इस पोटली बटन को हमने तैयार कर दी है। अब सुई धागा की मदद से कुछ इस तरीके से इसको चारों साइड अच्छे से स्टिचिंग कर लेंगे और ये जो टोपी है ऊपर वाला कुछ इस तरीके से इसको सेट करना है। अब सेट करने के बाद यहाँ पर हमारा पास जो छोटा वाला गोल्डन कलर में मोती था उसे हम यूज़ करेंगे। तो पहले यहाँ पर एक सिलाई लगा लेते हैं कि जब अगर इस तरीके से आप चाप चाप देते हुए मोती को लगाते हैं तो इसको जो टोपी है वो बाहर के तरफ नहीं आना होता है। तो कुछ इस तरीके से ही
हम इसको मिडिल में लगाएंगे। तो देख ही सकते हैं एक चेन हमारा लग चुकी है, ऐसे चेन हम तीन लगाएंगे। तब यहाँ से हमें धागा को कट कर लेनी है। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स दूसरी चेन भी हम यहाँ पर तैयार कर दी है, इसे भी चलिए कंप्लीट कर लेती हैं। अब दो या फिर तीन चेन यहाँ पर लगा सकते हो। तो हमने यहाँ पर तीन चेन लगा दी है, तीनों चेन अलग अलग साइज में है। तो कुछ इस तरीके से इस चेन को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देख ही सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कितना यूनिक डिज़ाइन बनके तैयार हो चुकी है। अब यहाँ से इसको धागे को कट कर लेंगे। अब इसमें हम एक फ्लावर तैयार करने फ्लावर बना के तैयार करेंगे। फ्लावर बनाने के लिए कुछ इस तरीके से फैब्रिक लेंगे, 2 इंच लंबाई 2 इंच चौड़ाई, चौकोर शेप में इस पत्ती शेप देते हुए इसको हम तैयार करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम इस बार स्टिचिंग नहीं करेंगे मशीन से, धागा लपेटते हुए कुछ इस तरीके से ही इसे हमें पत्ती शेप को बनाना है। तो ऐसे ही कुछ हमें बना लेनी है पहले। तो देख ही सकते हैं धागा लपेटते हुए हम इस पत्ती शेप को बना रही हूँ। तो देख ही सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें लगभग एक फ्लावर के जितना ही चाहिए होगा। तो चलिए फटाफट से इस प्रोसेस को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक भी चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस करना, जब भी हम नए नए वीडियोस अपलोड करेंगे सबसे पहले मिले आपको। तो जितना भी पत्ती सेब के फ्लावर के एक्स्ट्रा फेब्रिक था उसे हम कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद यहाँ पर धागा और सुई के मदद से इस फ्लावर को क्रिएट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से फ्लावर को अंदर के साइड से इसको फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर इसको स्टिचिंग करते जाएंगे। तो देख ही सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा फ्लावर है उसको हम राउंड शेप में कर दी है, जहाँ से हमने स्टिचिंग स्टार्ट की थी वहाँ पर ही इस स्टिचिंग को आके मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसको गोलाई शेप देते हुए इसको शेप दे देनी है। अब यहाँ पर इसको स्टिचिंग कर लेते हैं सुई धागे की मदद से अच्छी तरीके से। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पर मिडिल में इसको लगा लेंगे। तो कुछ इस तरीके से इसको लगाना है। देख ही सकते हैं यहाँ पर जितना भी सारा फ्लावर पत्ती है उसको अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे सुई धागा की मदद से। सेट करने के बाद यहाँ पर हम एक सबसे बड़ी वाली जो मोती होता है गोल्डन कलर में उसको हम यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। इसको लगाने के बाद चारों साइड हम छोटा वाला जो हमने चेन क्रिएट किए हैं उस मोती के यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स देख ही सकते हैं कुछ इस तरीके से इस चेन को हम लगा लेंगे और चेन को जो हमारा छोटा मोती को चेन है चारों साइड में सुई धागा की मदद से अच्छी तरीके से कुछ इस तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये जो मोती है बाहर के तरफ नहीं निकलेगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा स्लिप जो है वो रेडी हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो के एक लाइक जरूर करना। चलिए फिर से मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।